तो सर इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, पहले वीडियो में अपन ने लोगों को बस दिखाई, हाँ जी, पर वो बहुत सारे लोगों के सोच से और परे से बाहर है, है ना। तो अपने जैसे इंडिया के हिसाब से हम बात करें तो जिनके पास में एक घोड़े हैं, दो घोड़े हैं, वो लोग जैसे रिंग वगैरह में घोड़े लेके जाते हैं, तो वो एक तरीके से बोले कि कॉमन चीज है मार्केट के लिए जो लोग खरीदना चाहते हैं, हाँ जी। तो उसकी रेंज के बारे में और किस किस तरीके की हम अभी गाड़ियां बना रहे हैं या अपनी आगे की क्या प्लानिंग है, तो उसके बारे में जरा बताएं। तो जो हमारे कम घोड़े वाले भाई हैं जिनके पास या जिनके घोड़े हैं उनके पास, बट उनकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत कम है, सीमित ट्रैवलिंग है, ओके, उनके लिए हम ये स्केलेटन आप देख रहे हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा। ये दो घोड़े का अभी इसका जो है तैयार हो रहा है, स्केलेटन है, okay. उसका खाली ढांचा है, ये खाली ढांचा तैयार हो रहा है। तो आप देखेंगे इसकी चेसी वगैरह जो कितनी मजबूत बनाई गई है, कितना मोटा पाइप आप देख रहे हैं सारा, सो दैट क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसमें ये जो हुक है हमारी यूएसए से इम्पोर्ट की जाती है, ये ओके, ये बॉल टाइप हुक बोलते हैं, जो इंडिया में अभी कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया में इस्तेमाल कर रहे थे जो ट्रॉली टाइप, उसको रिंग टाइप बोलते हैं, जो ब्रेक लगाते वक्त बहुत ज्यादा झटका लगाती है, ओके। तो ये हमारा एक स्केलेटन बन रहा है। तो सर ये वाली ट्रॉली कितने दिन में तैयार हो जाती होगी, दो घोड़े वाली? ये एक वीक में हो जाती है, एक वीक में तैयार हो जाती है, एक वीक में तैयार हो जाती है। बाकी एक बस मेरे को लगता है ये भी तैयार, ये भी बस जो है तैयारी पर है, ये भी आठ घोड़े वाली बस है। अच्छा जी, तो इसके अलावा आप देखेंगे ये अंदर, ये दूसरा मॉडल है, इस पर पेंट जॉब चल रहा है। तो ये दो घोड़े वाला बड़ा मॉडल है थोड़ा, जो शो जंपिंग वाले लेके जाते हैं, इसका आगे का देखेंगे बिल्कुल स्क्वायर है, थोड़ा सा अलग ही डिजाइन है, अलग डिजाइन है ये शो जंपिंग, उन्होंने सैडल्स वगैरह ज्यादा लेके जानी रहती है, इसके आगे बची हुई है, सैडल्स हैं इसमें बनी हुई। तो सर पेंट वगैरह में भी मेरे को लगता है बहुत टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है क्योंकि इसके पाँच छह लेयर्स पेंट की बनती है इसके ऊपर, तो क्योंकि ये 2K पेंट है तो इसके नीचे उसी हिसाब से जो इसका बेस तैयार किया जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2K पेंट मार डाल दो ऐसे ही, तो 2K पेंट वही है जिसका बेस वैसा 2K का तैयार किया जाता है। तो इसका बेस पहले तैयार किया जाता है, फिर इसको स्टडी किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उसमें जाके दोबारा से अब ये जो फॉल्ट्स थे उसको निकाल रहे हैं। उसके बाद एक घोड़े के लिए भी बनती है क्या इसमें? नहीं, दो घोड़े से स्टार्टिंग, दो घोड़े जो टायर है वो उतनी लगने हैं, सिर्फ साइज थोड़ा सा, वो बीच वाले का गैप आ जाना है, वो थोड़ा कम होना है, अदरवाइज खर्चा उस पर लगभग उतना आ जाता है। तो सर इसका क्या प्राइस होगा अगर बात करें तो? हम ये जब तैयार हो जाएगी ये 4.45 की पड़ेगी, 4.45 की। इसका साइज भी बड़ा है, इसका टायर साइज भी बड़ा रहेगा, आगे से भी आप देखेंगे कितनी चौड़ी है, ये गोल टाइप रह जाती है, ऐसी रहती है जो पुरानी वाली थी, तो ये आगे से ये एरोडायनामिक ज़्यादा है छोटी गाड़ियों के खींचने के, छोटी गाड़ियों के ये बड़ी है थोड़ी सी। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर, ये फिर हमारी बस आ गई है, बन रही है ये बस, इसके बाद में मेरे को लगता है इसी का नंबर लगने वाला है, इसी का नंबर, हाँ रेडी है ये, ऑलमोस्ट की फिनिशिंग शुरू हो जाएगी। ये छोटे वाला 385 वाला मॉडल जो 385 वाला का, तो सर सबसे कम रेंज का यही मॉडल है, सबसे कम रेंज का यही मॉडल है 385 का। और आप देखेंगे इस मॉडल में भी हमने ये जो शीट्स लगी हुई हैं इनको कभी जंग नहीं लगेगा, ये गैल्वेनाइज्ड शीट्स, इसका जंग नहीं लगेगी, GI टाटा की शीट्स हैं, ये रोल पड़े हैं जैसे, ओके। तो जो मोस्टली क्या कर रहे हैं लोग, रिसाइकल्ड स्टील जो यूज कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं करते, ओके, हम ब्रांड न्यू स्टील है और गैल्वेनाइज्ड है। अब ये बसों के ऊपर आपको ऐसा लग रहा है पेंट हुआ हुआ है? नहीं नहीं, ये स्टील ही ऐसा है। अच्छा, स्टील ही ऐसा है? स्टील ही ऐसा है, पर ऐसा लग रहा है पेंट लगा हुआ है। तो इसको क्या है कि कभी जंग नहीं लगेगी, ओके। तो भाई सर ये क्या चीज बन रही है? ये जी कैंपिंग ट्रेलर हम बोल रहे हैं, जो नए मॉडल्स अभी आएंगे, ये US कनाडा के लिए, इंडिया में भी कुछ लॉन्च होंगे, ओके। तो ये हमारी एडवेंचर सीरीज के हैं, पीछे ऐसे ये बंद हो जाएगा और इसको उठाते वक्त यहाँ पर सारा किचन एरिया आ जाएगा, ओके, यहाँ पे एक सिंक लग जाएगी, यहाँ गैस स्टोव डब्बे वब्बे सारे किचन के, तो यानी एक तरीके से बोले तो छोटा घर लेके चल सकते हैं, छोटा घर, इसमें चार बंदे, दो नीचे और दो ऊपर, सो ऊपर आराम से सो सकते हैं, हाँ चार बंदे सो सकते हैं इसमें। और आप घूमने के लिए करने के लिए जा रहे हो, जो कहीं भी आप जा रहे हो
तो इसमें स्पेस बन रही है। अब ये आप देखेंगे नीचे फ्लोर के अंदर, इसके अंदर कोई सामान रखना है तो इसको हमने फ्लोर में जगह दे दी है। ओके, तो इसमें भी पानी की टंकी रहेगी लगभग 150-200 लीटर की। अच्छा, तो ऊपर लग जाएगी, इसके ऊपर लगेगी यहाँ तक। ओके, तो उसके बाद इसमें सोलर सिस्टम लगेगा, पंखे वंखे पूरा इलेक्ट्रिकल। इसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि इसको आपने बिजली से कहीं अटैच करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपना बिजली का सब खुद चलता है, अपना कमरा है। तो आपको कहीं भी खड़े कर लो, खेतों में कहीं भी जाके ये अपना बिजली का जो है वो पूरा कर लेगी, कर लेगी अपने आप। बाकी एक बस सर ये भी तैयार हो रही दिखती है, ये भी बस अब नया स्टार्ट हुआ है। ये थोड़ी साइज लगभग वही है, घोड़े इसमें 10 आएंगे, रहने वाले की जगह थोड़ी कम है इसमें। तो सर बस वही वाली है, सेम ये सेम चेसी सेम है, और डिजाइन थोड़ा फर्क है इसका, डिजाइन का थोड़ा डिजाइन फर्क है, आपको दिख रहा होगा थोड़ी हाइट भी डिफरेंट है उनसे, तो ये डिफरेंट है। आप इसके अंदर से देखेंगे, इसमें भी सब में इवन इस ट्रेलर में भी आप देखेंगे सिलिकॉन लगी हुई है, इसीलिए ये शोर नहीं करता। आप देखिए इसको फटता है ना, यानी जैसे बजाते तो अंदर आवाज नहीं जा रही है, नहीं आवाज नहीं जाएगी। और इसके बाद फिर इसके अंदर एक फॉर्म भरी जाएगी, उसके बाद फिर एक शीट लगेगी, उसमें भी सिलिकॉन लगेगी, तो अंदर आवाज नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घोड़ा जो है आवाज से ही डरता है, आवाज से डर, और जब आवाज जाएगी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें देखेंगे आप, ये सारा घोड़े के घास वगैरह का यहाँ पे बन रहा है सारा इंतजाम। तो ऐसे ही अभी ये स्ट्रक्चर पूरा मजबूत बन रहा है, आप देखेंगे सिलिकॉन उन जोड़ों के ऊपर लग रखी है, आप देखेंगे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ऐसे सिलिकॉन पहले लगाई जाती है, फिर उसके बाद जो है शीट इसमें चिपकाई जाती है। ये नहीं कि सीधा वेल्ड नहीं करती हम इसको, छोटे से एरिया में बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया आपने। ये हमारा मोटरसाइकिल ट्रेलर है खुद का, अभी मोटरसाइकिल यूज नहीं कर रहे तो ये खड़ा। अच्छा, मोटरसाइकिल बांध के लेके चले जाओ, इसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा देते हैं पीछे से, ये खुल जाता है। अच्छा अच्छा, तो मोटरसाइकिल कहीं लेके जाना है, बड़े वाले भारी वाले हार्ले वगैरह, तो हम उस पे इस पे ले जाते हैं, फिर वहाँ घूम घूम के तो वहाँ से लोड करके गाड़ी में बैठ के। तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे कि आपने जब इसकी शुरुआत करी होगी बुलेटस्टोन की, तो लोगों ने बोला था कि यार ये इंडिया में नहीं चलेगी, और जैसे कि होता है कि एक काम जब हम नया स्टार्ट करते हैं तो लोग यानी कि डीमोटिवेट करने वाले लोग ज्यादा आते हैं, तो उस टाइम में और आज में क्या फर्क महसूस किया है? इसमें मैं आपको बताता हूँ, डीमोटिवेट तो बहुत करते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मैं बाहर से आया था, यूरोप से, तो पंजाबी में जैसे ओ यार बाहरों आके ट्रॉली बनाने लग गया, सो एक मतलब बाहर से आके आप ये ट्रॉली का काम शुरू कर दिया है, कौन लेगा इसको यहाँ पर। पर विद थैंक गॉड कि मेरी फैमिली जो है दैट इज़ वेरी सपोर्टिव, खास करके मेरा भाई मुझसे छोटा एंड माई वाइफ एंड मेरे दोनों बेटे। ओके, तो मतलब अभी तो पढ़ रहे हैं बेटे, तो बट स्टिल वो एक रहता है, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट जो मोरल जो रहता है ना। भाई मेरा है वो पेशे से डॉक्टर है, बट वो स्टिल यहाँ भी आ जाता है फिर मेरी हेल्प करने के लिए, जो सारे हैं। तो सर जब आपने 2016 में स्टार्टिंग करी थी, हाँ जी, तो एक साल में कितनी गाड़ियाँ अभी सेल की थी? 2016 में एक भी नहीं। अच्छा, 2017 में दो सेल की थी, पूरे साल में ही? पूरे साल में। अच्छा, और हमने अपना उसको ऐसे नहीं बनाया कि यार इसको घटिया सी बेच के सस्ते में बेच दें। ओके, हमने कभी ये नहीं सोचा, हमने ये कहा कि भाई बेशक दो बेचे, दोनों क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना। फिर सर 2018 में, फिर 18 में हमने 20-50 के लगभग शुरू हो गया था, फिर उससे बाद फिर काम शुरू हो गया। और अभी तो जैसा ही सर आप मेरे को बता रहे थे कि हम 3 महीने के बैकलॉग पे चल रहे हैं, तीन महीने के बैकलॉग पर हैं। तो सर जैसे अपनी जो अभी आज के टाइम में ट्रॉलियां बात करें, तो यानी कि किस किस फील्ड में अपनी जो लोग हैं ट्रॉलियां वो ले जा चुके हैं, यानी कि किस किस जगह पर ज्यादा हैं? अभी तो ये मानिए नेम इट, अभी डॉग्स हैं, यूएस में हमने शिप किए हैं। ओके, पुलिस के लिए, और यूटिलिटी ट्रेलर होते हैं जो सामान ढोने के लिए यूएस कनाडा में काम आते हैं, वो इवन यहाँ पे एक बहुत छोटा जहाज ले जाने का, एक ट्रेलर की काफी लंबाई थी पर जहाज छोटा था, लगभग 22 फीट का जहाज था, 22 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा था, बड़ा ट्रेलर था, तो वो हमने यहाँ बनाया। उसके अलावा मोटरसाइकिल ट्रेलर हम बेचते हैं यहाँ पर काफी। ओके,
और उसके अलावा जो डॉग ट्रेलर हैं इंडिया में काफ़ी बेच रहे हैं, लोगों को बड़े पसंद आ रहे हैं। और अब हॉर्स ट्रेलर्स तो हम बेच ही रहे हैं, वो तो हमारा एक एलीट प्रोडक्ट है ही। उसके अलावा ये कैंपिंग का भी आई होप कि इसको अच्छा, क्योंकि अभी इंडिया में क्या है कि लोग कैंपिंग के बाहर निकलना कोविड के बाद खास करके वो चाहते हैं कि बाहर निकलें, होटलों में अंदर बंद ना रहें। ओके, तो आई होप के क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, तो ये तो नहीं कि एक साल में ही चल जाएगा, बट आई थिंक पीपल विल अप्रिशिएट इट। नहीं तो सर, पहली जो गाड़ी बेची थी सर, वो कितने पैसे की बेची थी? वो 2,85,000 की, और आज 1 करोड़ की। तो देखो 4 साल में ग्रोथ हुई ना, तो उस चीज में भी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, पर वो चीज आज के टाइम में ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो लोगों को जैसे जैसे पता लगेगा तो उसमें भी एक तरीके से बोले तो मार्केट में चलेगी वो चीज। मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी काम करते हो उसमें लगे रहिए, और उसको उसकी क्वालिटी को, चाहे कोई काम है, काम की क्वालिटी, हर काम की एक क्वालिटी रहती है, एक लेवल रहता है, उसको उससे कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए। आप लगे रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, साल बाद नहीं मिलेगी, 2 साल बाद मिलेगी, मिलेगी जरूर। हार्ड वर्कर्स हैं वो हार्ड वर्क पे ऑफ जरूर करता है। तो मेरा यही से बोले कि 4 साल में आप 2,00,000 से 1 करोड़ तक के सफर पे पहुंचो, यानी कि तो ये आई थिंक, और प्लस ऊपर वाले की आपके ऊपर मेहर रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे अच्छे काम करते जाओ, ऊपर वाला देखता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है। Then, पर सर आपने क्वालिटी के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना? अगर मेरे को लगता है कि आप ये सोच लेते यार मेरे को क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना है, जैसे कि चलो लोगों को तो मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हाँ। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से आपकी गाड़ियाँ बन रही है, तो मेरे को लगता है क्वालिटी के साथ में बिल्कुल 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करते सर हम, इवन जब 2 भी बेच रहे थे, हाँ, तब भी बड़ा लोगों ने, क्योंकि वर्कर को हम, वर्कर जो है ट्रेंड वर्कर्स हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते। अगर साल में 2 भी अगर बैठ के भी खा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड वर्कर ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और हर बंदा ये, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे हैं फिनिश के, हर बंदा उसको, हर बंदा ये काम कर नहीं सकता। और मेरे बहुत सारे वर्कर्स हैं अभी, उनको बताना भी नहीं पड़ता कि क्या काम करना उनको प्रोजेक्ट। तो सर कितने अभी अपने यहाँ वर्कर होंगे? अभी 25 के लगभग मेरे पास, 25 के लगभग। चलो सर, होप सो, हम यही उम्मीद करें कि आपका काम रातों रात और तरक्की करे, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे दोस्त हैं जो ट्रॉली लेना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हो या उनको बनवानी हो अपने हिसाब से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में सर का नंबर दे दूंगा, और पूरा डिटेल वगैरह जो भी होगी कंपनी की, तो आप सारे लोग सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। ओके सर।